Rules of IUPAC nomenclature for unsaturated hydrocarbons. Unsaturated जिसमें double और triple bond होते हैं, जैसे कि alkenes और alkynes. हमने last time alkenes के किए थे, आज हम alkenes kynes करेंगे. तो सबसे पहले इसका जो first rule होता है parent chain, यानी कि जो parent chain होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे पास hydrocarbon की chain होगी, उसमें हमने longest parent chain देखनी है. जो पेरेंट चेन होगी हमने उसे कुछ इस तरह से देखना है कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड जरूर आए, यानी एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए. अगर उसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा तो वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के रूल को फॉलो नहीं करेगा. एग्जांपल जैसे कि रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें कितने कार्बन है, ये वाली 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे पास एक चेन ये भी तो बन रही है, ये वाली चेन. तो इसमें कितने कार्बन हैं? इसमें जो कार्बन है वो है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6. वैसे तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बन रही है, लेकिन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, क्योंकि हमने लॉन्गेस्ट चेन इस फॉर्म में बनानी है कि उसमें हमारा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए. तो हमारी चेन कौन सी होगी, ये वाली चेन होगी, यानी यहाँ 1, 2, 3, 4, 5. उसकी नंबरिंग इस तरह से देंगे कि जो बॉन्ड आ रहा है वो लोएस्ट नंबर पे आए. इसी वजह से हमने जो काउंटिंग है वो इस साइड से स्टार्ट की है, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड लेफ्ट की तरफ हम गए हैं. तो हमने क्या करना है, पेरेंट चेन देखनी है कि हमारी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कौन सी है. अगर हम इस तरह से देखते हैं, ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन, ये जो है ये रोंग है और ये राइट है. ये राइट इस वजह से है क्योंकि इसमें बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, और इसमें इस चेन में बॉन्ड नहीं आ रहा है, इस वजह से ये जो है ये रोंग है. तो हमने ये जरूर देखना है कि उसमें जो मल्टीपल बॉन्ड है वो आ रहा है या नहीं. तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया. अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर किसी में डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड हो, अगर एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन की चेन है उसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो उसकी जो करेक्शन है, उसकी जो नंबरिंग है वो किस तरह से देनी है. तो ऑब्वियसली हमें लोएस्ट सेट चाहिए, यानी कि हमारी नंबरिंग का लोएस्ट सेट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कि आपके हमारे पास ये चेन है, हमने इसकी नंबरिंग दो तरह से नंबरिंग दी है. एक दी है लेफ्ट टू राइट, 8 कार्बन है. एक दी है राइट टू लेफ्ट, इसमें भी 8 कार्बन है. सेम फॉर्मूला है, सेम चेन है, नंबरिंग चेंज कर दी. अब हमने नंबर देखने हैं कि जो हमारे बॉन्ड है वो किस किस नंबर पे आ रहे हैं. ये डबल बॉन्ड जो है ये 2 नंबर पे आ रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड है ये 5 नंबर पे आ रहा है. 2 और 5 इसका क्या है, नंबर है, यानी कि हमें लोएस्ट नंबर देखना है. लोएस्ट सेट लोकेशन रूल है ये, लोएस्ट सेट लोकेशन रूल. अब इस रूल में सेकंड जो हमने लिया है, इसमें एक तो 3 पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर पे आ रहा है, और इसमें 6 पे आ रहा है, 3 और 6. तो हमारा करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट वो होगा जिसका लोएस्ट नंबर होगा, और लोएस्ट नंबर कौन सा है, 2 और 5 का. तो इसका मतलब ये करेक्ट है और नीचे वाला रोंग है. तो हमने ये देखना है कि जो हमारा नंबरिंग इस तरह से देनी है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन में बॉन्ड जरूर डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है वो जरूर होने चाहिए. लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से बनानी है, उसके बाद नंबरिंग इस तरह से देनी है कि लोएस्ट सेट आए, ठीक है ना, लोएस्ट सेट होना चाहिए. नेक्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पाप ने चूज करना है नंबरिंग को, यानी कि हमारे आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं और दोनों ही इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं. इक्विवेलेंट पोजीशन पे मींस टू से कि आपके पास दो पोजीशन हैं. ये देखिए आपका एग्जाम्पल है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है. एक नंबरिंग आपने यहाँ से लेफ्ट से राइट की साइड दी है, और दूसरी नंबरिंग आपने कहाँ से, राइट से लेफ्ट की साइड दी है, ठीक है ना. अब यहाँ पे इसकी जो नंबर है वो क्या आ रहा है, एक का जो नंबर है वो आएगा 1 और 4, और जो दूसरे का नंबर है वो भी 1 और 4 आ रहा है, यानी कि दोनों इक्विवेलेंट है. यानी कि मैं अगर आप कहो कि फिर तो ये दोनों ही सही है, चाहे हम नंबरिंग लेफ्ट से दे दे चाहे राइट से दे दे, दोनों ही करेक्ट होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये जरूर देखना है
कि इस कंडीशन में जो डबल बॉन्ड है उसको प्रेफरेंस ज्यादा देनी है ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में, यानी डबल बॉन्ड पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए और फिर ट्रिपल बॉन्ड का नंबर आना चाहिए। इसी वजह से जो अप वाली नंबरिंग है ये करेक्ट है और जो डाउन वाली नंबरिंग है ये रॉन्ग है। तो हमारे फर्स्ट और फोर ये वाली रहेगी, वन और फोर तो ये भी बन रही है लेकिन डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। नेक्स्ट है वन डबल बॉन्ड पोजिशन, यानी कि अगर आपके पास एक एग्जाम्पल है और उसमें एक डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, उनकी लोकेशन क्या होगी यानी कि सेंटर में है, चाहे आप इधर से ले लो और चाहे आप उधर से ले लो तो ये सेकंड ही नंबर पे आएगी, ठीक है ना। लोकेशन जो पोजीशन है वो क्या होगा, हमेशा सेकंड नंबर पे ही आ रही है। तो ये जो कंडीशन है इसकी नोमेनक्लेचर हम कुछ इस फॉर्म में देंगे, जैसे कि ब्यूट प्लस टू इन या फिर ब्यूट टू इन, दोनों फॉर्म में हम इसकी जो नेम है इसका जो नाम, क्योंकि ये क्या है मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट प्लस टू नंबर पे बॉन्ड है तो टू नंबर और डबल बॉन्ड है तो इन, ब्यूट प्लस टू इन या फिर ब्यूट टू इन, दोनों फॉर्म में हम ऐसे कंडीशन में नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे कि हाँ यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, आपके पास डबल बॉन्ड है यानी वन टू थ्री फोर, यहाँ पे भी वन टू थ्री फोर, आप किसी भी कंडीशन पे दो, किसी भी कंडीशन में दोगे नंबरिंग वही आएगी। इसकी नेम इसका नेम आप कैसे दोगे, इसका नाम सबसे पहले हमने जो ब्रांच चेन हो लगी जुड़ी हुई होती है हमें सबसे पहले उनकी ही नंबरिंग देनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये टू नंबर पे जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप है तो टू मिथाइल, अब आ जाए जी चेन पे वन टू थ्री फोर यानी मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट ब्यूटा इसमें लगेंगे ब्यूटा, और वन वन और बॉन्ड किस नंबर पे है, वन नंबर पे और थ्री नंबर पे, वन और थ्री डाई इन, दो बॉन्ड है तो डाई और फिर इन, टू मिथाइल ब्यूटा वन थ्री डाई इन, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वन है ये वाला नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है, इसमें आप जो नेम दोगे वो कैसे दोगे, अब इसके नेम के अकॉर्डिंग अब हमने नंबरिंग दी हुई है वन टू थ्री फोर फाइव, अब थ्री नंबर पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम थ्री मिथाइल, अब कितने कार्बन है थ्री नंबर पे मिथाइल, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, ठीक है तो इसका लिखेंगे पेंटा, थ्री मिथाइल पेंटा, और वन और फोर नंबर पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि डाई आइन वाई एन ई, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो थ्री मिथाइल पेंटा वन फोर डाई आइन, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। बीच में जब नंबर देते हैं दो नंबर के बीच में कॉमा जरूर होना चाहिए और इनके बीच में एक स्लैश का हैश का साइन जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, इसकी नंबरिंग हमने नंबरिंग दी है, इसकी नंबरिंग कैसे देंगे, मैंने क्या कहा था कि टू को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की है। जब भी हमारी चेन होती है तो सेकंड डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं तो नंबरिंग हमने उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। तो ये कितने हैं मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, यानी हेक्सा, हेक्सा पहले इन के नंबरिंग आएगी फिर आइन की नंबरिंग आएगी, यानी पहले डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है वन थ्री, दो बॉन्ड है तो डाई इन, वन थ्री डाई इन, और नेक्स्ट फाइव नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड यानी फाइव आइन, तो हेक्सा वन थ्री डाई इन फाइव आइन, इस तरह से आप इसको नंबरिंग को रिप्रेजेंट करोगे। तो ये जो है ये पोजीशंस जो हम देते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड की उसको रिप्रेजेंट करता है। अब कुछ हम केसेस देख लेते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड के कि आप उसे किस तरह से लिख सकते हो। जैसे कि कुछ केस हैं, फर्स्ट केस है सी एच टू के साथ अगर डबल बॉन्ड हो, अगर सी एच थ्री के साथ एक बॉन्ड है तो आप उसे मिथाइल बोलते हो, इसमें डबल बॉन्ड आ गया है तो इसे मिथाइल इन बोलोगे, इन क्योंकि डबल बॉन्ड है मिथाइल इन। नेक्स्ट है अगर सी एच थ्री और सी एच है तो इसके लिए इथाइल इन, ठीक है इथाइल इन डबल बॉन्ड, ये जो है ये इज इक्वल टू का साइन नहीं है, ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल बॉन्ड है इन का बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच है, इसका जो नाम होता है इसे बोलते हैं विनाइल, विनाइल या फिर इथिनाइल, इथिनाइल
नेक्स्ट सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी और एक हैश, इसको ये केमिथ इथ है, ठीक है, इथ आइनाइल, इथाइनाइल। तो इस तरह से हम इनकी नेमिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये देखना है कि डबल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होती है, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, अगर दोनों इक्विवेलेंट है तो उसकी नेमिंग देखनी है, और डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस करना है ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग उसकी नंबरिंग देनी है, इक्विवेलेंट जो अगर है उसमें भी इस तरह से ही देखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।